इस वक्त हम आफताब अहमद चौधरी साहब के साथ एक नाग जीवन फार्म विजिट करने जा रहे हैं जो वाके है जफरवाल में। तो इंशाल्लाह आज हम आपको इस पूरे फार्म का विजिट करवाएंगे और पूरी प्रैक्टिसेस दिखाएंगे कि किस तरह ये फार्म चलाया जा रहा है और किस तरह जो सीड बनाने के प्रोटोकॉल्स होते हैं उनको फॉलो किया जा रहा है। आज इसकी क्या स्टेज है और कब ये शुरू किया गया और इतना बड़ा फार्म बनाने का मकसद क्या था, ये सारी चीजें आज हम आफताब साहब से पूछेंगे। सर आप हमें फिर अब फार्म दिखाने जा रहे हैं? जी जी बिल्कुल। कुछ पाएंगे तो नहीं? नो नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। आज हम सब ओपन, यहाँ छुपाने को कुछ नहीं है, दिखाने को सब कुछ है। जी बहुत अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, मैं हूं बिन्यामिन शौकत और आप देख रहे हैं किसान न्यूज़। पाकिस्तान की तारीख में हर वक्त एक ज़रई फसल ऐसी रहती है जो किसानों की तकदीर बदल सकती है, और इस वक्त पाकिस्तान का जो सिनेरियो है उसमें बात करें तो नाक जीवन एक ऐसी फसल है जिसमें इतनी पोटेंशियल है कि अगर किसी किसान ने एक एकड़ भी लगाया है तो वो उससे 2 से 3 करोड़ रुपए कमा सकता है। और आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो नाक जीवन की प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के ऊपर है कि आप किस तरह नाक जीवन लगा कर अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। और इस वक्त जिस फार्म पर हम मौजूद हैं वहाँ तकरीबन 75 एकड़ के ऊपर नाक जीवन की फसल लगी हुई है, और ये 100% मैकेनाइज्ड फार्म है जिसके ऊपर जो पानी का तरसीली निज़ाम है वो भी ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के ज़रिए लगाया गया है, और बाकी जो पौधों की सेहत है वो भी स्टैंडर्ड के मुताबिक है। और ये वो फसल है जिसको आप 100% बतौर बीज इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें तमाम बीज के प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखा गया है कि कैसे लगाना है नाक जीवन और इसमें किस किस मौके पे क्या क्या फर्टिलाइजेशन करनी है, यानी खादों का प्लान क्या होना है, बीज कैसे हासिल किया जा सकता है, फिर इसके अलावा ज़मीन की तैयारी कैसे करनी है, कब काश्त करना है, कब हार्वेस्ट करना है, ये सारी तफसील जो है हम आज आपको इस प्रोग्राम में बताएंगे। किसान भाइयों, आपने ये नाग जीवन की सारी फसल देखी, कितनी प्रोफेशनल तरीके से मैनेज की गई। आइए आफताब साहब से पूछते हैं जो ये फार्म मैनेज कर रहे हैं कि ये सब कैसे मुमकिन हुआ और आखिर इतनी प्रोफेशनल सर्विसेज कहाँ से ले रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी थैंक यू। वालेकुम सर। सबसे पहले बताएं कि 75 एकड़ नाग जीवन आपने यहाँ लगाया हुआ है तो इतनी डिमांड है पाकिस्तान में? जी बिल्कुल डिमांड है। जैसे कि आपके लम्हे होगा कि पाकिस्तान में हम अपनी ज़रूरत का ऑलमोस्ट 70% गार्लिक जो है ना डिफरेंट कंट्री से, मोस्टली चाइना से इम्पोर्ट करके अपनी ज़रूरत पूरी करते हैं, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले 3-4 सालों में हम अपनी इस काबिल हो जाएंगे कि हम अपनी गार्लिक इंडिपेंडेंट हो जाएगा हमारा मुल्क, और हमारी इसमें इस वक्त बहुत डिमांड है और इसको एज अ सीड मल्टीप्लाई किया जा रहा है। एक अंदाज़े के मुताबिक 1 लाख एकड़ जब ये क्रॉस कर जाएगा तो ये प्रोडक्ट जो है गार्लिक जो है लहसुन ये मंडी का रुख करेगा, हमारी मंडियों में फिर आएगा और फिर आम आदमी के लिए। यानी अभी 95,000 एकड़ जो है वो बाकी है लगना? जी बिल्कुल। तो क्या समझते हैं कितनी देर तक इसकी जो प्राइस है वो सीड प्राइस रहेगी, किचन आइटम प्राइस नहीं जाएगी? एक अंदाज़े के मुताबिक आने वाले 3 साल एटलीस्ट ये एज अ सीड मल्टीप्लाई होता रहेगा, और उसके बाद इस काबिल होंगे कि ये मंडी में जाए और ये आम आदमी के लिए खाने के लिए इस्तेमाल हो। फी एकड़ कितना अखराजात आ जाते हैं इसके ऊपर नाग जीवन की फसल? इस पे जी दो तरह के एक्सपेंस हैं। एक तो सीड का एक्सपेंस है, सीड तो आपको जिस भी रेट पे जिस टाइम पे आप लेंगे उसका एक सेपरेट एक्सपेंस है। उसके अलावा आपको फील्ड मैनेजमेंट के लिए इसकी फर्टिलाइज़र और इसकी पेस्टिसाइड्स के लिए इस वक्त जो है वो कोई 3 लाख से 3.5 लाख रुपया एक्सपेंस है इसको मैनेज करने के लिए। और अगर ये जो आपकी प्रोड्यूस तैयार हो जाएगी उसकी अच्छी अगर अच्छी फसल आती है तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं इससे पर एकड़ रेवेन्यू? पर एकड़ जी आप अगर अच्छे तरीके से इसको मैनेज करें, प्रोफेशनली मैनेज करें, ड्रिप इरिगेशन का इस पर मैं समझता हूँ कि एक बड़ा प्राइमरी रोल है, उसके ऊपर आप इस पर 12,000 kg पर एकड़ प्रोडक्शन ले सकते हैं। तो रफली अगर इसकी कॉस्ट की बात की जाए पर एकड़ की तो वो कहाँ तक कॉस्ट इस वक्त अगर आप लेते हैं तो ये 3.5 मिलियन इसकी पर एकड़ की टोटल एक्सपेंस है। 3.5 मिलियन एक्सपेंस है, और जिससे प्रोडक्शन जो है वो आपको ऑलमोस्ट 20 मिलियन
पर एकड़ से रेवेन्यू जनरेट हो सकता है आपको इस वक्त। सर आपने ड्रिप लगाया हुआ है इसमें, तो इसका क्या मकसद है? ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पे इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि फील्ड मैनेजमेंट और प्लांट्स को नरिश करना डेली बेसिस के ऊपर। अब हमारी पूरी फील्ड 75 एकर्स डेली बेसिस के ऊपर इरिगेट होती है, डेली इसको फर्टिलाइज़र मिलता है। और अगर आप कहीं पे फील करते हैं कि प्लांट्स की हेल्थ कहीं पे इफ़ेक्ट हो रही है, तो आपको एक दिन के अंदर 75 एकर्स में आसानी से मेडिसिन या आप जो पेस्टिसाइड्स हैं वो इरिगेट कर सकते हैं। अच्छा, हमारा जो आम किसान है वो जब सीड लेता है तो इस ये जितनी आप बातें बता रहे हैं, जो प्रोटोकॉल्स बता रहे हैं, उनका ख्याल नहीं रखता। तो नॉर्मली आप क्या समझते हैं कि अच्छा सीड, चूंकि नाग जीवन का अगर सीड ही अच्छा ना होगा तो पैदावार कंप्रोमाइज। जी बिल्कुल। आप क्या समझते हैं, क्या प्रोटोकॉल्स हैं एक अच्छे सीड के, जो सीड खरीदते वक्त किसान को मद्देनजर रखने चाहिए? देखें, हेल्दी क्रॉप होगी तो हेल्दी फ्रूट आएगा, उसका साइज़ अच्छा होगा। और उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक आम फार्मर इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करता कि एक फसल को एक एकड़ में, एक सीज़न में, टोटल उसका जो साइकिल है उसमें कितनी नाइट्रोजन चाहिए, कितनी पोटेशियम चाहिए, कितनी फॉस्फोरस चाहिए, कितनी सल्फर चाहिए। हम इस चीज़ को बैलेंस रखते हैं और उसको पूरे सीज़न में उसकी जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो उसको फुलफ़िल करते हैं। और डेफिनेट सी बात है कि इतनी बड़ी फील्ड को खुद मैनेज नहीं किया जा सकता, बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जिस पे हमारे साथ डिफरेंट कंसल्टेंट्स अटैच्ड हैं। साइम रशीद साहब हैं जो कि हमें कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट चीज़ों पर, इरफान नवाज साहब हैं जो कि हमें डिफरेंट चीज़ों पर, क्रॉप मैनेजमेंट के ऊपर, डिजीज़ मैनेजमेंट के ऊपर हमारे साथ होते हैं। और हम इस तरीके से इस काबिल हुए हैं कि हम अच्छी फसल जो है ना इसको ग्रो करवा। जी अफ्ताह साहब, बहुत शुक्रिया, आपकी बहुत इन्फॉर्मेटिव डिस्कशन थी। जी किसान भाइयों, साइम रशीद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि नाग जीवन से अगर मुनाफा कमाना है तो क्या किया जाए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी बेंजामिन, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? मैं ठीक हूँ। बहुत मुबारक हो, 75 एकड़ का नाग जीवन का फील्ड है और बड़ा अच्छा मैनेज हुआ है, तो इसके क्या प्रोटोकॉल्स हैं और अच्छी फसल की पहचान क्या है? देखिए, ये 75 एकड़ पे नाग जीवन का स्पेशली एक ही जगह पर इसको लगाना बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। मेरा इसमें जी रोल रहा फर्टिलाइजेशन पे और प्लांट प्रोटेक्शन पे। मैंने इसकी जो गज़ाई ज़रूरियात थी और इसकी जो थी फसल का तहफ़ था, उसके लिए इनपुट से लेके मशावरत तक मुहैया की। अब जिस पैच में बैठे हैं, देखें ये सारी फसल ऐसी है, इस पूरे अगर आप देखेंगे फील्ड में, आपको सारा फील्ड ही ऐसा नज़र आएगा। ये एक्सीलेंट ए प्लस कैटेगरी की फील्ड है। इसमें आप देखें, यहाँ पर मैं बैठा हूँ, अब इस स्टेज पर फार्मर्स के लिए मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, आप चेक करें, पौधे की हेल्थ चेक करें। इंच से सवा इंच मोटाई है। मैं आपको भी बता दूंगा कि ये 2.25 फुट 2.5 फुट का पौधे हैं सारे के सारे। और इसकी जो गर्थ है, इसकी जो स्टेम जिसे सोडो स्टेम कहते हैं, उसकी गर्थ देखिए आप, ये इस वक्त 0.25 इंच की हो चुकी है। अब जितने भी फार्मर्स हैं, ये हेल्दी क्रॉप की निशानी होती है, जितने भी फार्मर्स हैं उनको इस बात को देखना चाहिए कि एक तो उनके पत्ते कैसे हैं, पत्ते का कलर चेक करें, थ्रू आउट ग्रीन है, प्रॉपर जिसे कहते हैं फ्रेश ग्रीन कलर। ज़्यादा ग्रीन जो सर डार्क ग्रीन होता है वो आपकी फास्फोरस की ज्यादती की निशानी होती है, वो भी हेल्दी नहीं होता। और ये आपका फ्रेश ग्रीन कलर है, इसमें किसी किस्म की अपेरेंट किसी भी क्रॉप पे, पूरी क्रॉप पे कोई बीमारी का निशान नहीं है। अच्छा सर, अगर प्लान की बात की जाए तो डे फर्स्ट से लेके एंड तक इसका क्या सिस्टम है फर्टिलाइजेशन का? देखिए, ये ड्रिप इरिगेशन है, ड्रिप इरिगेशन पे तो आप डेली भी फर्टिलाइजर दे सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दी आपकी सीज़न के हिसाब से होती है वेदर कैसा है। जब वेदर आपका खुशगवार, इस वक्त आजकल टेम्परेचर आपका 25 तक पहुंच रहा है, तो डेली वाटरिंग करेंगे। डेली वाटरिंग का मतलब है हम अपनी फर्टिलाइजर को डेली बेस पे भी दे सकते हैं, हम अपनी फर्टिलाइजर को अल्टरनेट डेट पे बेस पे भी दे सकते हैं। हमने क्रॉप की रिक्वायरमेंट करनी है, जैसे इस क्रॉप पे देखा जाए, इस फॉर्म पे ये तकरीबन 110 किलोग्राम नाइट्रोजन इतनी और इतनी ही 120 किलोग्राम फास्फोरस और 130 किलोग्राम के लगभग ये पोटाश देना चाहते हैं। एक्चुअल में एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, ये यानी कि जिस तरह आप खुराक फर्टिलाइजर तो इससे कहीं ज़्यादा होगी, इस एकड़ को देना चाहते हैं। अब लोग कहेंगे ये बहुत ज़्यादा खुराक है। सर आप क्रॉप देखें, 50,000 से ज़्यादा प्लांट हैं और आपने 350 से लेके 400 मन, 12,000 से 16,000 किलोग्राम फ्रेश यील्ड लेनी है ज़मीन से, उसको उगाने के लिए, उसको ग्रो करने के लिए आपको इतनी न्यूट्रिशन चाहिए। ये आप तने का देखें, इसका जो सोडो स्टेम मैं कह रहा था, ये आपको अक्कासी कर देगी कि आपकी फसल कितनी हेल्दी है और नीचे से इसका बल्ब का साइज़ क्या होगा। अगर आपका तना 1 इंच का है तो आपका जो बल्ब यानी कि तने का इसका कुतर 1 इंच है तो आपका बल्ब कम से कम 6 इंच का निकलेगा। जो नए फार्मर जीवन में आना चाह रहे हैं, एक तो उनका कंसर्न ये है कि शायद अगले साल इसकी प्राइस
डाउन हो जाए। हम 3 साल से यही सुन रहे हैं कि शायद अगले साल डाउन हो जाए। दूसरा ये बताएं कि उनके लिए अच्छा जो बीज सोर्स करने का देखें, मैं अब आपको ना, मेरे पास इस वक्त 2000 एकड़ से ऊपर जीवन की फार्मिंग कंसल्टेंसी है, और मैं फार्मर्स को यही कहूँगा कि इस वक्त मार्केट के अंदर जो आपका देसी लहसुन है या चाइना से इम्पोर्टेड लहसुन जिसे हम इस्तेमाल करते हैं, 600 रुपये किलो तक पहुँच चुका है। इसका मतलब हो गया कि आने वाले वक्तों में जिस तरह डॉलर की कीमत बढ़ती जा रही है, पाकिस्तान में जो लहसुन इस्तेमाल का है उसकी कीमत 600 या इससे प्लस ही रहेगी, 800 तक जाएगी, 1000 तक जाएगी। तो जीवन जो क्रॉप है, अगर ये फार्मर्स को एक माइंड में है कि ये इसकी कीमत गिर जाएगी, मैं इनको आपको कहता हूँ कि आप 10 टन पैदावार लेते हैं, ये 500 रुपये किलो भी फ्रेश क्रॉप आ जाए तो 50 लाख का एकड़ बनेगा। मैं उनको रिकमेंड करूँगा कि एस्ट्रो फार्म के जो CEOs हैं आफ्ताब साहब और महताब साहब, इनका कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, इनसे रब्ता करें। आपको ना सिर्फ इससे क्या बेहतरीन जेन्युइन सीड मिल जाएगा, बल्कि आपको ये मुशावरत देंगे मुकम्मल कि आपने फसल को ग्रो कैसे करना है। आपको कंसल्टेंसी मिल जाएगी, हम आपको पूरा गाइड करेंगे कि आपने अपने ज़ीरो से लेकर एक बेहतरीन पैदावार तक कैसे अपने फार्म को लेकर चलना है। तो इनका नंबर नीचे दिया गया है, इनसे आप रब्ता कर सकते हैं। गुलबर्ग लाहौर में इनका ऑफिस है, इनको विजिट कर सकते हैं। ये दोनों भाई बहुत हम्बल हैं और आपको बेहतरीन नाग जीवन में खास 5000 लोगों ने लगाया हुआ, तो 10000 बेचने वाले हैं, तो इसका मतलब जिसका नहीं भी फार्म होता वो भी बुकिंग। मैं आप सब दोस्तों को कहूँगा, पिछले साल भी बहुत ज़्यादा फ्रॉड हुआ, बहुत ज़्यादा आपकी जो गलत कमिटमेंट हुई, इसलिए मैं रेकमेंड करूँगा कि आप जिस तरह ये एस्ट्रो फार्म है, आप फार्म विजिट करें, ऑन स्पॉट फसल देखें और उनके साथ अपनी सेल डील करें, अपने सीड के लिए, बेहतरीन सीड के लिए, सेहतमंद सीड के लिए उनसे मुआहदा करें। बहुत शुक्रिया साइंस साहब। चलिए आपको विजिट करवाते हैं आफ्ताब साहब के लाहौर में वाके ऑफिस का। कैसे हैं जी? इस वक्त हम आफ्ताब अहमद साहब के लाहौर वाले ऑफिस में पहुंच चुके हैं और ये आपको सारा सिनेरियो दिखाते हैं कि किस तरह यहाँ ये क्लाइंट से डीलिंग करते हैं। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक लग रहे? शुक्र बिल्कुल। आपके फार्म से हम ट्रेवल करके अब यहाँ तक पहुँचे। ये फरमाइए कि इतना बड़ा ऑफिस जो है माशाल्लाह आपने बड़ा कॉर्पोरेट लुक दे रहा है, एग्जीक्यूटिव किस्म का ऑफिस है, तो इसका क्या मकसद है? ये सारी डीलिंग तो आप फार्म पर भी कर सकते हैं। एक्चुअली मैं समझता हूँ कि जीवन फार्मिंग का, क्योंकि लाइफ स्पैन 4-5 ईयर्स पे मुजीद है, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि इसको इस फार्मिंग में लोग इसको प्रोफेशनली नहीं कर रहे हैं, जिससे कस्टमर्स की सेटिस्फेक्शन अचीव करना बहुत मुश्किल है। लोगों को आफ्टर सेल सर्विसेज नहीं दी जा रही हैं, लोगों को प्रॉपरली ब्रीफिंग नहीं किया जा रहा है, जिस वजह से हमने ये इनिशिएटिव लिया कि एक कॉर्पोरेट ऑफिस बनाया जाए और वहाँ पर लोगों को आफ्टर सेल सर्विसेज दी जाएँ, उनका सेटिस्फेक्शन लेवल बेहतर हो, उन्हें मालूम हो कि जिस कंपनी से हम डील कर रहे हैं उसके अंदर मिसकमिटमेंट्स नहीं होंगी और अच्छे तरीके से उनको डील किया जाएगा। अच्छा, तो क्या समझते हैं कि जो लोग यहाँ आते हैं या फार्म पे डील करते हैं उसमें भी फ़र्क पड़ता है डीलिंग में या उनके कॉन्सेप्ट में? देखिए, डीलिंग में फ़र्क नहीं पड़ता, फॉर्म को विजिट करने का पर्पस और होता है। फॉर्म को विजिट करने का पर्पस ये होता है बेसिकली कि लोगों को इस चीज़ पे सेटिस्फाई करना कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो लगी हुई है, हमारा फॉर्म है और प्रॉपर हम उसकी केयर किस तरीके से कर रहे हैं और क्या क्या चीज़ें हम उसको नरिश करने के लिए क्या चीज़ें दे रहे हैं, हम ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को कैसे लगा रहे हैं। वो अंडरस्टैंडिंग एक कस्टमर के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि हम अपने प्लांट्स की केयर किस तरीके से कर रहे हैं और उनकी स्टेज क्या है। और ऑफिस में इनिशियली आपको ऑब्वियसली जिस बंदे ने भी कॉन्टेक्ट करना है, जिसको आपने बुलाना है, तो उससे फर्स्ट मीटिंग रिक्वायर होती है ताकि आप उसके बाद उसको इंगेज कर सकें फर्दर आगे फॉर्म के ऊपर, और अगर वो आपके साथ चलना चाह रहा है तो उसको मैच्योर कर सकें। जी बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब। ये जो पूरा प्रोसेस है नाज़रीन, हमने आपको फार्म से लेकर एक कॉर्पोरेट ऑफिस लाहौर की जो सबसे महंगी एरिया है, महंगा लोकेशन है, यानी हम इस वक्त जहाँ बैठे हैं ये बिल्कुल कज़ाफी स्टेडियम के साथ गुलबर्ग का एरिया है और यहाँ महंगी तरीन लाहौर का महंगा तरीन इलाका है, यहाँ ऑफिस बना के एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट को, नाग जीवन को डील किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि इसमें इतना पोटेंशियल है कि आप बड़ी गाड़ियाँ भी खरीद सकते हैं, बड़े ऑफिस भी बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आएगा। इसके साथ ही बिन्यामिन शौकत और हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।